चलिए आज से हम शुरू करते हैं सीडीपी। तो साइकोलॉजी हम पढ़ना चाहते हैं, तो साइकोलॉजी के सबसे पहले हम सीखते हैं कि साइकोलॉजी का सिलेबस क्या पढ़ना है। तो साइकोलॉजी सबसे यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी में एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, और साइकोलॉजी फिर साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या है और मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। और यूनिट नंबर टू में हम क्या पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर फर्स्ट में उसमें था कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्रिंसिपल एंड डायमेंशन एंड ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर थ्री में फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर फोर में रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट और हेरिडिटी का क्या रोल है हमारे सोशलाइजेशन में, जेंडर में। इसके कोलबर्ग पढ़ेंगे, वर्नर पढ़ेंगे, सिगमंड फ्राइड पढ़ेंगे, पियाजे पढ़ेंगे, वाइगोट्सी पढ़ेंगे। और पियाजे मॉरल डेवलपमेंट में है। इसके बाद इरिक्शन पढ़ेंगे, जॉन वाउली पढ़ेंगे, जॉन वाउली की अटैचमेंट थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर थ्री में क्या पढ़ेंगे, लर्निंग एंड मोटिवेशन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर वन में क्या पढ़ेंगे, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस। और चैप्टर नंबर टू में फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर थ्री में थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। इसमें थ्योरी ऑफ लर्निंग में बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं, क्लासिफिकेशंस, कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशन, ट्रायल एंड एरर्स लर्निंग, गैने हायरार्की ऑफ लर्निंग्स, कर्ट लेविन फील्ड थ्योरी, बैंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, इंसाइटफुल लर्निंग, कोलबर्ग एक्सपेरिमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, कोलबर्ग एक्सपेरिमेंट थ्योरीज, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद आपका चौथा फोर्थ इसमें चैप्टर नंबर फोर्थ में क्या पढ़ेंगे, हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंग्स, ये भी पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर फाइव में मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग, इसमें से टाइप उसके टाइप पढ़ेंगे, साइकिल ऑफ मोटिफिकेशन मोटिवेशन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मोटिवेशन मोटिव्स पढ़ेंगे और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और यूनिट नंबर फोर में क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर फोर में इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर नंबर पढ़ेंगे मीनिंग एंड टाइप, इंडिविजुअल डिफरेंस में उसके मीनिंग्स एंड टाइप्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर टू में पर्सनालिटी पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। तो इसके बाद यूनिट नंबर फाइव में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर, इसे बोलेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे बैकवर्ड, और चैप्टर नंबर टू में मेंटली रिटार्डेड, चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ेंगे गिफ्टेड, चैप्टर नंबर फोर में पढ़ेंगे क्रिएटिव, और चैप्टर नंबर फाइव में डिसएडवांटेज और डिप्राइव चाइल्ड, ठीक है। चैप्टर नंबर सिक्स में पढ़ेंगे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, ठीक है। इसके बाद है चैप्टर नंबर सात में पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज, चैप्टर नंबर आठ में पढ़ेंगे एडजस्टमेंट, और फिर आ जाती है यूनिट नंबर सिक्स में पेडागॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस हैं। सो उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फिर चैप्टर नंबर टू में पढ़ेंगे टीचिंग मेथड, और चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ेंगे NCF 2005, और चैप्टर नंबर फोर में पढ़ेंगे CCE जिसे बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया, CCE पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है चैप्टर नंबर फाइव में एक्शन रिसर्च पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर नंबर सिक्स में राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर सेवन में पढ़ेंगे लाइफ स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेवन में, ठीक है। और यूनिट नंबर सेवन में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। इसके बाद है चैप्टर यूनिट नंबर आठ में हम फिलोसॉफिकल परस्पेक्टिव पढ़ेंगे, और यूनिट नंबर नाइन में हम पढ़ेंगे स्कूल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशंस। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, शुरू करते हैं यहाँ से ठीक है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट हम शुरू करते हैं जिसमें साइकोलॉजी है, इसे बोले मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान मनोविज्ञान वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो व्हाट इज़ द साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, मेथड ऑफ साइकोलॉजी क्या है, और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, ये सब हमें पता करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है। द साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टूडाइज्ड मेंटल प्रोसेस, मानसिक क्रियाएं, एक्सपीरियंस, अनुभव एंड बिहेवियर
व्यवहार इन डिफरेंट कॉन्स्टेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टेंट में या डिफरेंट डिफरेंट पीपल में मानसिक क्रियाएं, अनुभव, व्यवहार के ही को ही हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मेंटल प्रोसेस क्या होता है, मेंटल प्रोसेस क्या होता है, मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेन को, मेंटल प्रोसेस दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है ब्रेन में होता है, एक होता है माइंड में। जो माइंड एग्जिट करता है ब्रेन में, जो माइंड एग्जिट करता है मन मन माइंड तो एग्जिट करता है ब्रेन में, लेकिन ब्रेन को हम टच कर सकते हैं लेकिन माइंड को हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब इसके बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अनुभव होता है, एक्सपीरियंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव होते हैं, हर लोगों के लिए अलग अलग अनुभव होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, हर लोगों के लिए अलग एक्सपीरियंस होता है। ऑब्जेक्टिव वह होते हैं जो हर लोगों के लिए सेम हो, जो ऑब्जेक्टिव वह होते हैं जो हर लोगों के लिए सेम हो, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट बना दिए, चार ऑब्जेक्टिव दे दिए हर लोगों के लिए एक जैसा पेपर करा दिया, वही क्या है ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर होता है दो प्रकार का, बिहेवियर दो होता है, दो प्रकार का बिहेवियर होता है जो कि मनुष्य के अंदर होता है। एक होता है वो व्यक्ति जो बाहरी बाहरी व्यवहार दिखाता है उसे बोलते हैं ओवर्ट। ठीक है, और जो कवर करके रखता है, छुपा कर रखता है उसे बोलते हैं छुपा हुआ व्यवहार, कोवर्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, अब इसके बाद है स्टिमुलस। अब इसके बाद स्टिमुलस और इस रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस होता है इसे बोलते हैं उद्दीपक, और रिस्पॉन्स होता है अनुक्रिया। तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, उद्दीपक, उद्दीपक है क्या, कोई भी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट या इवेंट हो सकता है, कोई भी सिचुएशन में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है या इवेंट हो सकता है। उद्दीपक ने बाधित किया रिस्पॉन्स करने के लिए, जो कोई भी चीज़ पे अगर प्रतिक्रिया देता है तो क्या करता है, स्टिमुलस ही बाधित करता है रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, स्टिमुलस से ही क्या होती है, क्रिया होती है, स्टिमुलस से ही बाधित होता है वो क्रिया करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड बोथ कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ध्यान रखना है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों ही क्या होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, अच्छी लाइन है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है, भूख को, भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, मतलब कोई भी चीज़ देखकर, जैसे अगर मान लो नेचुरल रिस्पॉन्स है तो क्या होता है, किसी भी चीज़ को देखकर तुम्हारे अंदर अपने आप जिज्ञासा आ गई। ठीक है, जैसे भूखे को भोजन देखकर मुंह में पानी आना ऑटोमेटिक है और नेचुरल है। ठीक है, अब आ जाते हैं साइकोलॉजी, अब थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होता है, मनोविज्ञान, इसे ग्रीक भाषा में बोलते हैं इसे साइकोलॉजी, और साइकी बोलेंगे, साइकी प्लस साइकी होता आत्मा मन, लोगस मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब विज्ञान। तो इसे साइकोलॉजी एक एटाइमोलॉजी शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा, साइकी मतलब होता है आत्मा मन चेतना व्यवहार, पहले आत्मा से, फिर मन से, फिर चेतना से, फिर व्यवहार से, अब प्रेजेंट में व्यवहार से ही है, पहले पास्ट में आत्मा से हम संबंधित करते थे, शुरुआत पहले एक फिलोसफी दर्शन शास्त्र के, फिलोसफी दर्शन शास्त्र से जुड़ा था, ऐसे ही फिलोसफी मदर ऑफ साइंस कहलाती है, फिदर फिलोसफी क्या कहलाती है, मदर ऑफ साइंस, मतलब होता है साइंस, विज्ञानों का ही विज्ञान की माँ कहलाती है फिलोसफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्यू डेफिनेशन है, कुछ अच्छी डेफिनेशन उनको याद करके रखना है, फ्यू डेफिनेशन जैसे जेबी वाटसन ने दिया था, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, जेबी वाटसन कहते थे मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, जेबी वाटसन कहते थे। वी एफ स्किनर क्या कहते थे, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, वी एफ स्किनर बोलते थे मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का, मतलब बिहेवियर और एक्सपीरियंस का विज्ञान है, और जे वी वाटसन बोलते थे बिहेवियर का प्योर विज्ञान है, और मैकडूगल क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार और या यथार्थ विज्ञान है, मनोविज्ञान आचरण एवं का व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुडवर्थ क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक, अब आ जाते हैं आगे थोड़ा सा, अब आ जाते हैं फर्स्ट लेबोरेटरी के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट लेबोरेटरी तो फर्स्ट लेबोरेटरी किसके बारे में, फर्स्ट लेबोरेटरी के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तब 19वीं शताब्दी आते आते तो इस पर प्रयोग होना शुरू किए,
जब हम साइंस जब कहते हैं, जब उस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, जब किस जब हम साइंस तब कहते हैं जब उसमें एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो जाते हैं और कुछ निष्कर्ष निकलना शुरू हो जाते हैं, तब उसको साइंस साइंस का नाम देते हैं। मनोविज्ञान के बहुत सारे प्रयोग हुए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, ध्यान रखना, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में लिप्चिंग, जर्मनी 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 में कौन था? हिटलर था। हिटलर 1879 में विलियम बुंट के द्वारा, बाद में इसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया, विलियम बुंट के द्वारा किया गया। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1900 जो विश्व में थी, ये है भारत में, भारत में है 1916 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में रखी। और किसने लगाई है ये आपकी? ये है डॉक्टर एस एन गुप्ता। ये हार्वर्ड के ग्रेजुएट थे, ठीक है, हार्वर्ड के ग्रेजुएट थे, और एक ए भी क्या थे? दार्शनिक थे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, दो प्रकार के क्या होता है ब्रेन इमेजिनिंग टेक्निक्स से पढ़े हैं। ब्रेन इमेजिनिंग टेक्निक्स दो प्रकार की होती है। सो दीज कैन स्टडीज ब्रेन प्रोसेस इन रियल टाइम, एक रियल टाइम में, वास्तविक टाइम में हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन कर पा रहा है, इसके टेक्निक या उसका तकनीकी है, मानसिक, इसे बोलते हैं मानसिक चित्रण तकनीक, हिंदी में से बोलते हैं मानसिक चित्रण तकनीक या ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स बोलते हैं। दो प्रकार की होती है, एक एफएमआरआई जिसे बोलते हैं एफएमआरआई फंक्शन मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिनेस इमेजिन और फंक्शन एमआरआई, और ई एक होती है ईईजी, इसे बोलते हैं एन इलेक्ट्रोसेफेलो को सेफेलोग्राम, ठीक है, ईईजी को फुल फॉर्म होता है एन इलेक्ट्रो एन सेफेलोग्राम, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है। अब एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? साइकोलॉजी। अब पढ़ते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है। एजुकेशन साइकोलॉजी होती है शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान होता है। साइकोलॉजी का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है, साइकोलॉजी का प्रयोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में होता है उसे बोलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम सिद्धांत का प्रयोग शैक्षिक वातावरण में बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, इन्हीं में हमसे पूछा जाता है साइकोलॉजी ऑफ फादर कौन होता है, विलियम बुंट और या हेरोडोटस, हेरोडोटस को बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कहें एजुकेशन साइकोलॉजी ऑफ फादर, एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ फादर ई एल थर्नाडाइक को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? ई एल थर्नाडाइक, मतलब होता है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में साइकोलॉजी के फादर कौन है? ई एल थर्नाडाइक है। साइकोलॉजी के फादर वैसे कौन है मनोविज्ञान में? विलियम बुंट है। अगर हम कहें आधुनिक साइकोलॉजी में या आधुनिक मनोविज्ञान में फादर कौन है? विलियम जेम्स, ध्यान रखना विलियम जेम्स है, ठीक। मॉडर्न साइकोलॉजी ऑफ फादर बोलते हैं विलियम जेम्स को, ठीक है। आ जाते हैं डेफिनेशन में, आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन में एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है जेम्स ड्रेवर बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं में मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अब एजुकेशन साइकोलॉजी है जो, इसमें क्या होता है, न्यू एक्सपेरिमेंट होने होंगे, न्यू रिसर्च होंगी, प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है तो कैसे हम उसको डील करें, हम उनको कैसे समाधान खोजें, ये सब क्या होता है एजुकेशन साइकोलॉजी में होता है। अब आ जाते हैं मेथड ऑफ साइकोलॉजी है, मतलब साइकोलॉजी में भी मेथड होते हैं दो, तो मेथड पढ़ेंगे मेथड ऑफ साइकोलॉजी। तो मेथड ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान की विधियां हैं, दो प्रकार की विधियां पढ़ाई गई हैं, एक ऑब्जर्वेशन मेथड है, अवलोकन विधि है, एक होता है एक्सपोजिशन मेथड उसे बोलते हैं विवरणात्मक विधियां। तो दो प्रकार की विधियां होती है, एक ऑब्जर्वेशन मेथड, एक एक्सपोजिशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन मेथड भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड भी इसी को बोलते हैं अवलोकनात्मक विधियाँ, इसमें भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं। एक होती है आत्मनिरीक्षण विधि, इसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। एक ऐसे होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं, सबके लिए अलग अलग सब्जेक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि सबके लिए अलग अलग अनुभव होते हैं, सबके लिए अलग अलग कार्य होते हैं और सब ने अलग अलग तरीके से अपने ज्ञान का निर्माण किया है। और ये सबसे ओल्ड मेथड है, ये क्या है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड या आत्मनिरीक्षण विधि सबसे ओल्ड मेथड है। इसके बाद अवलोकन या अंतर्दृष्टि विधि, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन या
एक्स्ट्रो एक्सपेक्शन मेथड, इसको दिया है जेवी वाटसन। जेवी वाटसन कहते थे कि व्यवहार का अध्ययन करो, जिसको जानना हो तो व्यवहार का अध्ययन करो, वो उसके बारे में तुम स्वतः ही जान पाओगे, ठीक है। अब थर्ड है प्रायोगिक विधि, मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसको दिया है विलियम बुंट ने, जिसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं और 1879 में जर्मनी में उन्होंने अपनी प्रयोगशाला खोली, तो इसे हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब आता है चौथी विधि है क्षेत्र अध्ययन विधि, फील्ड स्टडी मेथड बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्षेत्र अध्ययन विधि होते हैं फील्ड स्टडी मेथड। इसमें क्या होता है, किसी जगह पर विजिट करेंगे, उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, मतलब हम विजिट करके कुछ ना कुछ ज्ञान का निर्माण करेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे के ज्ञान का भंडारण होगा उसके स्कीमा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब तो हमने ऑब्जर्वेशन मेथड की पूरी विधि मेथड पढ़ चुके, अब क्या पढ़ेंगे हम, एक्सपोजिशन मेथड। एक्सपोजिशन मेथड होता है, विवरणात्मक विधियाँ होती हैं, वर्णनात्मक विधियाँ जिसे बोलते हैं, वर्णनात्मक विधियाँ बोलते हैं, विवरणात्मक विधियाँ बोलते हैं, एक्सपोजिशन इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोजिशन मेथड। इसमें बहुत सारी विधियाँ होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें, फॉर एग्जाम्पल जैसे केस हिस्ट्री मेथड, इसे बोलते हैं व्यक्तिपरक विधि, सर्वे मेथड, सर्वेक्षण विधि, कंपेरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि जिसमें कंपेयर होगा, साइको एनालिटिक मेथड, मनोविश्लेषण विधि जैसे सिगमंड फ्राइड कहते हैं, साइकोलॉजी फिजिकल मेथड होता है, मनोभौतिकी विधि, मन और व्यवहार दोनों का, ठीक है। इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि, और इसे बोलते हैं जेनेटिक मेथड, आनुवांशिक या विकास विधि, और इसके बाद एक्सपेरिमेंट मेथड, प्रायोगिक विधि, और इसके बाद है क्लिनिक मेथड, नैदानिक विधि। तो इतनी सारी एक्सपोजिशन मेथड में आती हैं, ठीक है, ये विधियाँ होती हैं, इससे क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके बारे में व्यवहारों को देखकर उसके बारे में पता कर लेना, बस इतना हमें सीखना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंट्रो एक्सपेक्शन। अब एक एक करके क्या होता है, अब इंट्रो एक्सपेक्शन, अब ऑब्जर्वेशन मेथड में सबसे पहली है आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रो एक्सपेक्शन मेथड। अब एक एक करके पढ़ते हैं इंट्रो एक्सपेक्शन मेथड, अब एक एक करके पढ़ते हैं किसने क्या दिया है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इंट्रो एक्सपेक्शन मेथड आत्मनिरीक्षण विधि होती है, इसकी शुरुआत ध्यान रखना, इसकी शुरुआत जो होती है विलियम बुंट ने की थी, इसके जनक ईवी टिचनर ने इसको नाम दिया था, पर इसकी जो शुरुआत थी विलियम बुंट ने की थी, ठीक है। इनको प्रोपाउंड अगर हम कहें, इसका संस्थापक बोलें तो ईवी टिचनर जो कि किसके शिष्य थे, विलियम बुंट के शिष्य थे। इसी को हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी बोलते हैं, मतलब स्वयं का अध्ययन करना, स्व अवलोकन विधि या अंतर्दर्शन विधि बोलते हैं। एक ऐसे होते हैं सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड होते हैं, इसमें सेल्फ फील कर सकता है व्यक्ति, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव की कमी होती है, सब्जेक्टिव तो होते हैं, तो अपने व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब होता है यहाँ पर सब्जेक्ट प्रयोज होता है और इन्वेस्टिगेटर, सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेशन दोनों ही क्या होते हैं, एक ही होता है, सेम पर्सन होता है जिस पर प्रयोग होता है, और जो प्रयोग कर रहा होता है वह एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। प्रयोज और अध्ययनकर्ता एक ही व्यक्ति होते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी का सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है, इंट्रो एक्सपेक्शन मेथड। आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करते हैं, अवलोकनात्मक विधि, जहाँ पर जिसमें हम किसी को ऑब्जर्व करके पता करेंगे उसके, ठीक है। इसमें ऑब्जर्वेशन की जाएगी और जो सामने दिख पा रहा है, जो एक्चुअल में दिख पा रहा है। इसका प्रोपाउंड कौन है, जेवी वाटसन है। जेवी वाटसन ने कहते थे जो भी है वह व्यवहार है, अगर आप किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके व्यवहार का अध्ययन करो, व्यक्ति खुद पता चल जाएगा वो कैसा है, ठीक। अब आ जाते हैं हेल्पफुल वेयर एक्सपेरिमेंट कांट बी कंडक्ट, मतलब होता है ये क्या करता है, आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, और ये बिना एक्सपेरिमेंट करके ही
स्वतः ही हो जाता है। और टू टाइप ऑब्जर्वेशन मेथड हमने सुना है, एक होता है न्यूरोलॉजिस्टिक ऑब्जर्वेशन जिसे बोलते हैं प्राकृतिक अवलोकन। दो प्रकार के अवलोकन होते हैं, टू टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक होता है न्यूरोलॉजिस्टिक ऑब्जर्वेशन जिसे बोलते हैं प्राकृतिक अवलोकन, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन जिसे बोलते हैं उद्देश्य अवलोकन। उद्देश्य मतलब किसी उद्देश्य के द्वारा किया जाए, और एक होता है प्राकृतिक स्वतः ही। ऑब्जर्वेशन मेथड कैन भी दो प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड कैन भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। अब आ जाता है तीसरा, तीसरे के बारे में बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड इसको इसे इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायोगिक विधि या प्रयोगशाला विधि बोलते हैं। इसका प्रतिपादन विलियम बुंटन ने किया था। पहली प्रयोगशाला लिप्चिंग में जर्मनी 1879 में। इसे ही बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। यह व्यवहार का अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह व्यवहार का अध्ययन का सबसे उद्देश्यपूर्ण तरीका है। ये कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव मेथड होता है कि हम किसी चीज़ के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉरी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की जांच करेंगे। फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना करेंगे उसकी परिकल्पना फॉर्मुलेशन करेंगे या फॉर्मेशन करेंगे या फॉर्मुलेशन करेंगे मतलब उसको परिकल्पना करेंगे। फिर डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट तीसरा स्टेप होता है, डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट। चौथा स्टेप होता है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, और पांचवा होता है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, और फिर छठवा होता है इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्क्लूजन ऑफ रिजल्ट, किसी रिजल्ट पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब इसके बाद है चौथा सर्वे मेथड और केस स्टडी मेथड। चौथा होता है केस, पढ़ते हैं केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड इतिहास वृत्त विधि बोलते हैं। इसमें इसको दिया है, अच्छे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है ही साथ साथ। ये है आपका फ्रेडरिच लेप्ले ने दिया है। किसको दिया है? फ्रेडरिच लेप्ले। केस हिस्ट्री या हिस्ट्री मेथड फ्रेडरिच लेप्ले ने दिया है। केस स्टडी मेथड क्या होता है? किसी व्यक्ति या समूह या घटना का गहन विश्लेषण करना ही केस स्टडी में आता है। अब इसके बाद आता है व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है, जैसे कि इंटरव्यू लेना, प्रत्यक्ष अवलोकन होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना, और अभिलेखीय रिकॉर्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं जितने भी। इसके बाद सहित विभिन्न तरीकों का प्रयोग करती है, ठीक है। अब सर्वे मेथड होता है सर्वेक्षण विधि, मतलब सर्वे हम जाकर किसी चीज़ का सर्वे करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, या व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी इवेंट के बारे में जानेंगे। इज यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल एट अ लार्ज स्केल्स, और ये किसमें? लार्ज स्केल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सर्वे मेथड इसमें क्या होता है, एक प्रश्नावली बनी होती है, इसे बोलते हैं क्वेश्चनेयर। चेकलिस्ट भी बनी रहती है, रेटिंग स्केल भी बनी रहती है, इन्वेंट्री बनी होती है, ये तीनों बहुत सारी होती हैं। तो क्वेश्चन मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं, जैसे सेंसस आ गया, इसके में सेंसस हो गया, जनगणना हो गई, बहुत सारी पॉपुलेशन में अगर किसी चीज़ को है पता करना है तो उसका सर्वे मेथड यूज़ करते हैं, सर्वे करा लीजिए, तो कहते नहीं सर्वे करा लीजिए। तो आगे बढ़ते, अब छठवीं है डेवलपमेंटल, छठवीं है डेवलपमेंटल मेथड, जेनेटिक मेथड बोलते हैं, जैसे विकासात्मक विधि बोलते हैं। जो व्यक्ति का पुराने एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, उसकी हेरिडिटी पर डिपेंड करते हैं, और इसमें हेरिडिटी भी प्रभावित होता है। इसमें दो मेथड होते हैं, टू मेथड आर फाउंडेड। एक होता है क्रॉस अनुभवीय अध्ययन, जिसमें क्या होता है, बच्चा डिफरेंट डिफरेंट एज का होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एज के होते हैं, और ग्रुप में किसी ग्रुप में स्टडी करवाना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एज के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग अनुभव उनके पास, और उन्हें एक ग्रुप में डाल देते हैं और फिर उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है एक ही व्यक्ति को लेकर उसके अलग अलग समय पर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होता है, अनुदैर्ध्य अध्ययन, एक ही व्यक्ति को अलग अलग स्टेज पर समय समय पर उसका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं, क्लिनिक मेथड। क्लिनिक मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, नैदानिक विधि होती है। नैदानिक मतलब होता है उपचार होता है, अध्ययन होता है, ठीक है। प्रोपाउंड उसका किसने किया था, लाइटनर बिटनर, जो इंपॉर्टेंट है तो आप याद रख लेना, लाइटनर बिटनर,
लाइटनर विटनर ने किया था। इसमें क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं जिसमें हम नैदानिक करते हैं। मानसिक बीमारी हो गई, असमान व्यवहार हो गया, बीमार व्यवहार हो गया, और उसके बाद मनोरोग समस्या के उपचार से संबंधित मनोविज्ञान की शाखाएँ हो गई। बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं जैसे कि आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अलग टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, देखो साइकोलॉजी में जब फिलोसफी दर्शन शास्त्र जब साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र का क्या था पार्ट थी, तो साइकोलॉजी में कुछ अलग अलग संप्रदाय या स्कूल संप्रदाय को स्कूल बोलते हैं रहे होंगे, जिसमें साइकोलॉजी में अलग अलग विचारधारा रखने वाले भी वैज्ञानिक थे। तो उसमें क्या था, कोई मन को मान रहा, कोई आत्मा को मान रहा, कोई व्यवहार को मान रहा, तो क्या था स्कूल में अलग अलग संप्रदाय थे, ठीक है। तो इसी वजह से हम स्कूल में जब हम साइकोलॉजी लाए तो वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहलाती है। जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या होती है, साइकी प्लस लोगस, और साइकी मतलब होता है तुम्हारा किसी चीज़ का मन आत्मा, जो मन आत्मा व्यवहार, इसके बाद तुम्हारा बहुत सारी चीज़ें हैं, और लोगस मतलब स्टडी। तो 1590 में रूडोल्फ गाइगल, दार्शनिक वैज्ञानिक थे, 1590 में रूडोल्फ गाइगल जो पहली बार प्रयोग किया था किसको, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि दार्शनिक वैज्ञानिक थे, ठीक है, दार्शनिक वैज्ञानिक थे। और 1506 में, 1590 में उन्होंने यूज़ किया था, लेकिन 1506 में ये शब्द साइकोलॉजी लैटिन भाषा में साइकोलॉजिया से निकला हुआ था, और साइकोलॉजिया शब्द प्रथम मार्को मोरेलिक 1506 में इन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी से कुछ संप्रदाय हैं, साइकोलॉजी के कुछ संप्रदाय हैं। जब साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र से अलग हुई तब से कुछ साइकोलॉजी में एक सब्जेक्ट खुद से बना हुआ, सब्जेक्ट खुद का बना हुआ एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है, और इसमें प्रिंसिपल और सिद्धांत भी रहे हैं, ठीक है। तो खुद साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट बना, और उनके कुछ महत्वपूर्ण संप्रदान और मैं प्रिंसिपल और सिद्धांत भी रहे। अब इसमें बहुत सारे संप्रदान आए, स्कूल आए, ठीक है, उनके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। कौन कौन से आए, तो सबसे पहले आया स्ट्रक्चरलिज्म, सबसे पहले आया स्कूल स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद बोलते हैं, इसे प्रोपाउंड किया विलियम बुंट, इसके फादर थे, ठीक है। इसको स्ट्रक्चरलिज्म को प्रोपाउंड करने वाले, मतलब इसको संस्थापक करने वाले विलियम बुंट थे। संप्रदान था, स्कूल था, संरचनावाद को नाम दिया, इनके सिक्स शिष्य ने कौन थे, एडवर्ड टिचनर, विलियम बुंट के ही शिष्य थे, एडवर्ड ई टिचनर बोलते हैं इनका नाम, एडवर्ड टिचनर ने दिया था, इनका डिफाइन किया था। इस्टेब्लिश फर्स्ट लैब इन ही की थी विलियम बुंट ने, इन 1879 में, कहाँ पर, लिफ्टिनगर में, और इन्होंने ही क्या दिया था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ किया था पहली बार, और सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ये, और ये कैसा है, सब्जेक्ट मेथड है, और सबसे ओल्डेस्ट मेथड इस समुदाय के लिए उन्होंने यूज़ किया था। संरचनावाद क्या है, संरचनावाद क्या बताती है हमें, संरचनावाद क्या है, संरचनावाद ये मानता है जो मन है, हमारा मन है उसकी संरचना है, उसकी कोई ना कोई संरचना होगी, उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम समझा सकता है, टुकड़ों में तोड़कर किसी चीज़ों को समझा जा सकता है, या किसी टुकड़ों में तोड़कर उसको समझा और फील किया जा सकता है, अनुभव कर सकते हैं उसका, इसको उसमें अध्ययन किया गया है। तो हमारे जो संरचनावाद है वो चेतना है, चेतना में फील, सोचना, अनुभव, ये सब आ जाते हैं संरचनावाद में। तो संरचनावाद में बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संरचनावाद में ही एक फेमस वैज्ञानिक है मार्गेट बुसबर्न, उनका नाम है मार्गेट बुसबर्न, और रिलेटिव ये क्या, कौन है, स्ट्रक्चरलिज्म से संबंधित, संरचनावाद से संबंधित है, और ये फर्स्ट वुमेन है जो कि पीएचडी की है, इन्होंने पीएचडी की साइकोलॉजी में, और इन्होंने 1894 में एक बुक लिखी थी द एनिमल माइंड। देखो अब विलियम बुंट के जो शिष्य थे वो ईवी टिचनर थे, ईवी टिचनर की जो शिष्य थी वो मार्गेट बुसबर्न ने थी, ठीक है। अब आ जाता है दूसरा स्कूल, दूसरा संप्रदाय, फंक्शनलिज्म आता जाए, कौन आ जाता है, फंक्शनलिज्म आ जाता है, फंक्शनलिज्म
जो फंक्शन की तरह काम करता है, इसको बोलते हैं प्रकाय, प्रकायवाद, प्रकायवाद, प्रकायवाद। जॉइंट डिवीजन जो है प्रकृतिशील सम प्रकृति प्रकृतिशील शिक्षा से संबंधित है, हो एजुकेशन से संबंधित है, इसलिए फंक्शनलिज्म जो उनके जो फादर हैं विलियम जेम्स है, और इन्होंने 1890 में, ध्यान रखना 1890 में एक बुक पब्लिश की थी, एक बुक पब्लिश की थी, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी में सिद्धांत, मनोविज्ञान के सिद्धांत, मनोविज्ञान के सिद्धांत किसने की, किसने बुक पब्लिश की, विलियम जेम्स ने की, और विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म के फादर हैं। फंक्शनलिज्म अटैक करता है, काउंटर करता है किसको, संरचनावाद को, स्ट्रक्चरलिज्म को काउंटर करता है। ये फंक्शन, ये क्या करता है, फंक्शन पर फोकस करता है, किसी भी चीज़ को कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे काम कर रही है, इस पर फोकस करता है, ना कि वो संरचनावाद पर। संरचना, संरचना तो ठीक ही ठीक है, संरचना पर तो करते ही करता है ये, लेकिन उसके फंक्शन को भी बताता है कि ये फंक्शन कैसे करने देती है अपने आप को, तो माइंड का, लेकिन उस फंक्शन करना फोकस, ये ठीक है सर, स्ट्रक्चर क्या है माइंड का, लेकिन स्ट्रक्चर से ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन का डेली लाइफ में कैसे अपने आप को फंक्शन करने देता है, कैसे हम एक्टिविटी एक्टिविटी कर पाते हैं, कैसे हम रेगुलेट कर पाते हैं खुद को, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल का शेप क्या है, एप्पल रेड है, शेप ऐसा है कि गोल टाइप का लगता है, लेकिन एप्पल एप्पल बॉडी के अंदर जाएगा और किस किस तरीके से फंक्शन करेगा, किस तरीके से उसके जो तत्व हैं हमारे शरीर में लगेंगे, और वो फंक्शन करके हमें क्या बेनिफिट दे पाएगा, ये इस पर फोकस करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म पढ़ चुके हैं, इसके बाद आ जाता है तुम्हारा, आगे बताते क्या आता है, ठीक है, इसके बाद आता है, अब इसी में एक है, एक वैज्ञानिक है, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म में, स्ट्रक्चरलिज्म से संबंधित मार्गरेट बुशमैन, इसी प्रकार फंक्शनलिज्म में एक संबंधित है मैरी बिट्टन, बिट्टन कॉलनिस, एक ही वूमेन है जो कि रिलेटेड टू प्रकायवाद, प्रकायवाद मतलब होता है फंक्शनलिज्म से संबंधित है, और यहाँ से जॉन डिवी भी रिलेटेड है, ध्यान रखना। मैरी विल्टन वॉज द 14th प्रेजिडेंट ऑफ APA एंड द फर्स्ट वुमेन, और फर्स्ट वुमेन भी है। APA मतलब होता है अमेरिकन साइकोलॉजी ऑफ एसोसिएशन की एक क्या थी, 14th प्रेसिडेंट, अध्यक्ष थी ये, विलियम जेम्स की स्टूडेंट रहीं, किसकी रहीं, विलियम जेम्स की स्टूडेंट रहीं। इन्होंने अपनी बुक क्या नाम है, साइकोलॉजी दी है, इन्होंने एक इंट्रोड्यूस बुक, अपनी बुक जो इंट्रोड्यूस की थी, इन्होंने साइकोलॉजी बुक को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। विलियम जेम्स ने किसने, मानो एजुकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी दी है, विलियम जेम्स ने अपनी बुक का नाम दिया प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं साइको एनालाइज, ये थोड़ा सा, अब जिसके साइको एनालाइज भी एक प्रकारवाद है, स्कूल है, इसको प्रोपाउंड किसने किया, सिगमंड फ्रायड ने किया है। अब सिगमंड फ्रायड ने तीन अवस्था दी थी, कौन से, चेतन मन, अवचेतन, अर्धचेतन, तो कॉन्शियसस, सबकॉन्शियसस, अनकॉन्शियसस। तो सिगमंड फ्राइड कहते हैं जो हमारी एक्टिविटी है, बिहेवियर है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा निर्धारित होता है कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड से, अर्धचेतन अवस्था से निर्धारित होता है। अर्धचेतन अवस्था ऐसी होती है अनकॉन्शियस, जो हमारे माइंड हम नहीं करते, वो स्वेच्छा से हो जाती है, ये कहती है स्वेच्छा से होती है, कहीं ना कहीं हम जो चीज़ देख लेते हैं बाद में वो अपने आप कहीं ना कहीं होने लगती है, वो साइक्लो एनालाइजिस से संबंधित है। सो देयर स्टेज ऑफ माइंड, तीन स्टेज बताई इन्होंने, ईगो, सुपर ईगो, इड, एनालाइज ऑफ फॉरगेटफुलनेस, एनालाइज इसमें क्या करते हैं हम किसी चीज़ को, फॉरगेटफुलनेस, मिस प्रोनाउंसिएशंस हो गया, जो कैन ड्रीम्स हो गए, ये कहाँ से आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे माइंड से रिलेट करते हैं, अर्धचेतन मन से, ठीक है। तो उन्होंने तीनों मन की बात करी है, चेतन मन, अवचेतन, अर्धचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इन्होंने ही क्या कहा था, इट इज कॉल्ड ऑल्सो साइको डायनामिक्स थ्योरी, साइको डायनामिक्स इन्हीं को कहा जाता है साइको डायनामिक, ठीक है। इन्होंने ही क्या कहा था कि ओडिपस और इलेक्ट्रा बताया था, ठीक है, ओडिपस मतलब ओ माता, इलेक्ट्रा मतलब ओ माता, ओ माता, ओ माता, तो मतलब ओडिपस और इलेक्ट्रा पिता, पिता से, गर्ल्स के लिए इलेक्ट्रा जो है गर्ल्स के लिए अट्रैक्शन होता है, ओडिपस होता है बॉयज़ के लिए अट्रैक्शन, ठीक है। माता का लड़के लिए पिता, पिता का अपनी बच्ची के लिए पिता प्यार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी कहानी और बढ़ाते हैं आगे, ठीक है।
ह्यूमन के अंदर स्टिंग्स भी पाए जाते हैं। स्टिंग्स मतलब होती है उनको ना मारने वाले जीने की इच्छा, स्टिंग्स बोलते हैं। ह्यूमन के अंदर स्टिंग होती है, एक यूरोस और थेनोस नाम के दो प्रकार के लाइव स्टिंग्स पाए जाते हैं, जो कि नाम है यूरोस और थेनोस। एक लाइव स्टिंग्स है जो स्वाभाविक हो और एक ये भी स्वाभाविक ही है, ठीक है। डेथ स्टिंग्स, लाइफ स्टिंग्स एंड डेथ स्टिंग्स, इसे बोलते हैं यूरोस और थेनोस। अब आ जाते हैं चौथा प्रकारवाद, बेवरिज्म। बेवरिज्म संबंधित है, बेवरिज्म समझते हैं मतलब यहाँ पर क्या होगा, व्यवहार को पढ़ाया जाएगा। बेवरिज्म चौथा प्रकारवाद है अपना, सॉरी चौथा संप्रदाय है बेवरिज्म, व्यवहारवाद। इसका फादर है जेबी वॉटसन, ठीक है, ध्यान रखना। 1912 में इन्होंने जितने भी संप्रदाय थे इनको सबको स्वीकार कर दिया, उनको खारिज कर दिया और सिंपल फोकस करने के लिए क्या कहा, व्यवहार को, कि वो कह रहे थे व्यवहार को ऑब्जर्व करो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। इन्होंने व्यवहार में ऑब्जर्वेशन बिहेवियर एंड मेजरेबल को मापा जा सकता है, जो कह रहे हैं कि व्यवहार को हम माप भी सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इन्होंने फोकस किया है व्यवहार को ओनली, और इन्होंने कंडीशनिंग कराई। कंडीशनिंग की बात, अनुबंधन की बात यही करते हैं कंडीशनिंग की, ब्रेन को आदत डलवा देते। कंडीशनिंग क्या होती है, जब ब्रेन को आदत डलवा देता है कि आप मजबूर हो जाएंगे कि वही चीज़ बार बार रिपीट करने के लिए, ठीक है। और 1912 में इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, 1912 में कब दिया था, 1912 में एक स्टेटमेंट दिया था कि एक दर्जन मुझे शिशु दे दो, मैं उन्हें चोर डाकू सब कुछ बना सकता हूँ जो आप चाहो, ठीक है, जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1912 में दिया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनका एक्सपेरिमेंट फेमस है, किस पर है, एक लिटिल अल्बर्ट है, एक लिटिल अल्बर्ट है पर, जो कि कितने मंथ के थे, 11 मंथ का बच्चा था। इन्होंने उसके अंदर कंडीशनिंग कराई थी उनके पास, उसके अंदर भय पैदा कर दिया था। किससे भय पैदा किया था, लाउड नॉइज़ कराई थी वाइट चूहे से, ये कंडीशनिंग कराई थी। तो जो स्टिमुलस था वो लाउड नॉइज़ थी और वाइट रेड था, और रिस्पॉन्स क्या था इसका, फियर रिस्पॉन्स क्या दे रहा था, फियर दे रहा था, ठीक है। अब वॉटसन कहते हैं कि जन्म से हमारे पास तीन इमोशंस होते हैं, फियर एंगर लव्स, ठीक है, बाय बर्थ होते हैं, जो जेबी वॉटसन का कहना है, ठीक है। जेबी वॉटसन कौन कहते हैं, जो हमारे जन्मजात इमोशन होते हैं वो फियर एंगर लव्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें जॉन लॉक आ जाते हैं, जॉन लॉक भी इंपॉर्टेंट है, जॉन लॉक के बारे में पढ़ते हैं। ये प्योर दार्शनिक थे, ध्यान रखना, ये शुद्ध दार्शनिक थे, पर इनका स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है हमसे, और ये किससे रिलेट करते थे, ये हैं बिहेवियरिज्म से संबंधित हैं जॉन लॉक। स्टेटमेंट क्या है, माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज अ टेबुला रासा। इन्होंने क्या किया, बच्चों के जो माइंड को बताया टेबुला रासा बताया, किसने, जॉन लॉक ने बताया था, ब्लैंक स्लेट बताया, खाली तख्ती बताया, इस पर बता रहे कि इस पर कुछ भी इसको कोई सेप लिख दो या कुछ भी कर दो, इसको भर दो, ठीक है, कुछ भी कह रहे हैं, एनीथिंग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। टेबुला रासा किसको कहा, टेबुला रासा किसने कहा, जॉन लॉक ने कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बिहेवियरिज्म से बहुत सारे हैं जो रिलेटेड करते हैं, याद रखना है, दो तीन चीज़ें हैं। देखो जॉन लॉक तो है ही, जेबी वॉटसन है, स्किनर है, हल है, थन्ना डाइक हैं, पावलाओ हैं, टॉलमन, ये सभी क्या कराते हैं, कंडीशनिंग कराते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, इसलिए ये बिहेवियरिज्म से संबंधित है। अब आ जाते हैं इसके बाद, बिहेवियरिज्म के बाद अलग संप्रदाय है, गेस्टल्टवाद संप्रदाय, ठीक है। तो गेस्टोसाइकोलॉजी क्या होता है, गेस्टल्टवाद ये जर्मन स्कूल है, क्या है, एक प्रकार का जर्मन स्कूल है। इसके फादर जो है मैक्स वर्दाईमन है, कौन है, मैक्स वर्दाईमन है, इसके फादर गेस्टल्टवाद। गेस्टल्टवाद मतलब आहा मूवमेंट से संबंधित समझ लो, कि इनसाइटफुल लर्निंग जिस जहाँ से आती है, इनसाइटफुल गेस्टल्टवाद से संबंधित है, गेस्टल्टसाइकोलॉजी संबंधित है। गेस्टल्टवाद जर्मन स्कूल है, फादर ऑफ मैक्स वर्दाईमन। इसके जो यहाँ पर सपोर्टर हैं कोलर हैं, कोफ्का हैं, इनके जो सपोर्टर हैं कोलर हैं, कोफ्का हैं, कर्ट लेवन ने क्या दी थी, फील्ड थ्योरी दी थी। कोफ्का कोलर ने क्या दिया था, इनसाइटफुल लर्निंग दी थी, ठीक है। तो गेस्टल्टवाद कहता है कि द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, मतलब होल को देखो ना कि उसके कुछ पार्ट को देखो। वो कहता है कि होल का पूरा करो, पूर्ण को ज़्यादा ही उन्होंने वो दिया, प्रायोरिटी दी। तो ये बात करते हैं परकेप्शन की,
क्रिएटिविटी की, थिंकिंग की को फोकस करता है। एक क्या क्या किस किस को फोकस करता है? परकेप्शन मतलब अनुभूति करवाता है, क्रिएटिविटी बताया रचनात्मक करवाता है, सोचने की बात करता है, थिंकिंग करता है, ये फोकस करता है। जैसे इंसाइटफुल लर्निंग है, हाल फिलहाल उसे कुछ इंसाइट हुआ और उसे पता चला कि नहीं हमें कुछ सोचना है, और उसे हाल फिलहाल क्लिक हुआ माइंड में और पता चल गया ठीक है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। अब है इसके बाद अलग संप्रदाय, अलग स्कूल आया कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये नई ब्रांच है कॉग्निटिव साइकोलॉजी सर्च, इसे बोलते हैं संज्ञानवाद, कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोलते हैं। दिस इज अ न्यू ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, नई वाला ब्रांच है। संज्ञानवाद कहता है कि मेंटल स्किल्स फोकस, मैं इस पर क्या होता है, इस पर फोकस किया गया मेंटल स्किल पर, और इस पर यहाँ पर कंप्यूटर से तुलना की गई माइंड की, कंप्यूटर से तुलना की गई मस्तिष्क की ठीक है। द कंसीडर थिंकिंग एज इमेजिनेशन प्रोसेस, और यहाँ पर क्या कहते हैं, जो यहाँ पर जो सोचने की जो कंसिडरिंग है, कल्पना करने की शक्ति को बताया यहाँ पर। द कंसीडर थिंकिंग एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। और इन्होंने 1960 में इसको कॉग्निटिव साइकोलॉजी को किसने किया, मिलर ने दिया और जेरोम ब्रूनर ने दिया। जेरोम ब्रूनर इस्टेब्लिश किया है इसको, कॉग्निशन को सेंटर ऑफ कॉग्निशन माना, इस्टेब्लिश सेंटर ऑफ कॉग्निशन को माना। इन्होंने क्या बताया, थिंकिंग बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग बताया, रीजनिंग बताया, मेमोरी बताया, ये सब क्या है कॉग्निटिव से कहीं ना कॉग्निशन से टचिंग है, इस वजह से इन्होंने ये बताया साइकोलॉजी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है सबसे न्यू, और भी न्यू है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। मानवतावाद भी एक प्रकार का संप्रदाय है, तो मानवतावाद भी एक प्रकार का संप्रदाय है। मानवतावाद इस बात पर विश्वास करता है कि आंतरिक दृष्टि से देखें तो ह्यूमन अच्छे ही होते हैं, हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से वो बुरे हो जाते हैं, समाज में रहकर प्रकृति को सीख कर कुछ गलत व्यवहार ग्रहण कर अच्छे किसी का अच्छे व्यवहार ग्रहण कर लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, और किसी गलत व्यवहार ग्रहण कर लिए तो गलत हो गए। तो फादर ऑफ इसके जो फादर हैं कॉल रॉजर्स हैं, अब्राहम मैस्लो हैं। तो कॉल रॉजर बात करते हैं सेल्फ पर्सनालिटी की, जब सेल्फ पर्सनालिटी की बात करें तो कॉल रॉजर हो गए, और स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म ह्यूमनिज्म के फादर हैं ठीक है। आध्यात्मिक जो मानवता है, मानवतावादी मानवतावाद के जो स्पिरिचुअल फादर हैं वो अब्राहम मैस्लो हैं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फोकस ऑन इंडिविजुअल्स फ्री विल्स पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एल्टराइजेशन, मतलब हमें कुछ ऐसे वहाँ तक पहुँचना है जहाँ पर मनुष्य ना पहुँच पाए, आध्यात्मिक हो, जो भी आध्यात्मिक होगा ह्यूमनिज्म में आ जाएगा ठीक है, पर्सनल ग्रोथ आ जाएगी उसकी। इसके बाद आ जाते हैं अगला कंस्ट्रक्टिज्म संप्रदाय, मतलब स्कूल कंस्ट्रक्टिज्म। इस कंस्ट्रक्टिज्म में संबंधित कंस्ट्रक्ट मतलब होता है रचनावाद, सृजनावाद, रचनावाद या सृजनात्मकवाद, बच्चे में नॉलेज ग्रहण करने की क्षमता तो है, और बच्चा अपना ज्ञान निर्माण स्वयं कर सकता है, ज्ञान को बिल्ड करने की ताकत बच्चे के अंदर खुद है। और ये सब जीन प्याजे बायगोट्स की ये सब इन्हीं से संबंधित हैं ठीक है। एज अ लर्नर गेन न्यू एक्सपीरियंस, दे विल कंटिन्यूअली अपडेट देयर ऑन मेंटल मॉडल्स विद अ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड कंस्ट्रक्ट देयर ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी। आज की डेट में साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टिविज्म सन में आ गया, आज की डेट में हम साइकोलॉजी को ही व्यवहार का विज्ञान कहा जाते हैं ठीक है। इस पर एक थॉट भी दिया है, किसने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट है, साइकोलॉजी लॉस इज सोल then it's lost its mind, then lost consciousness, so it is still behavior of a sort। तो मतलब बताता है कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान ने पहले आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर अनकॉन्शियस मतलब होता है अवचेतन खोया, फिर बचा क्या, व्यवहार, जो बचा है वही व्यवहार है। आज की डेट में साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। फोकस ऑफ साइकोलॉजी तीन चीज़ों पर फोकस करता है, मनोविज्ञान तीन चीज़ों पर बल देता है, एक बिहेवियरिज्म पर बल देता है, तीन चीज़ों पर, एक होता है साइको एनालिसिस पर बल देता है मतलब मनोविश्लेषण बाद,
और एक होता है ह्यूमनिज्म को बल देता है, बल देता है। तो मानवता जो साइकोलॉजी है तीन चीज़ों पर, मानवतावाद, मनोविश्लेषण, विश्लेषणवाद और व्यवहारवाद, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए फोकस ऑफ साइकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, बस आज के लिए यूनिट नंबर फर्स्ट ख़त्म है इनसे। अब फिर आपकी यूनिट नंबर सेकंड चालू होती है, ठीक है।